सेशन टू का फॉर्म फिलअप करने में गलती बिल्कुल मत करना। पिछली बार की तरह सेशन वन में आपने बहुत सारी गलतियां की थी, क्या क्या गलतियां आपको इस बार नहीं करनी है वो मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को ध्यान से देखो, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस, दिस इज सुमन यादव। सेशन टू का फॉर्म रिलीज होने वाला है जेई मेन्स के लिए, 2 फरवरी से आपका फॉर्म चालू हो जाएगा। 2 फरवरी से 2 मार्च तक आपका फॉर्म ओपन रहेगा, फिर आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जिन्होंने सेशन टू का फॉर्म नहीं फिलअप किया था, कई बच्चों ने सेशन वन एंड टू दोनों फिलअप कर दिया था, अगर आपने दोनों फिलअप कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा से फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ सेशन वन दिया था या सेशन वन का फॉर्म फिलअप किया ही नहीं था, वो बच्चे सेशन टू का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, या तो आपने पहले नहीं किया था तब भी कर सकते हो, सिर्फ सेशन वन का किया था तब भी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया। सेशन टू के फॉर्म वालों, जो नए लोग फॉर्म भर रहे हैं, मैं उनको बता दूँ, बहुत सारी गलतियाँ पिछले सेशन में बच्चों ने की थी, हज़ारों हज़ारों रुपए उनके फंस गए थे और अंततः उसका कोई रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया। बहुत सारे बच्चों की फ़ी भी रिफंड नहीं हुई थी और दो दो बार उन्होंने पेमेंट कर दिया था, तो कई काफ़ी पैसे उनके नुकसान हो गए थे। और कई लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना था जिसकी वजह से वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। तो क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात, आपको जो पेपर चूज़ करना है आप वही करना, एक्स्ट्रा मत चूज़ करना। टोटल 3 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2A, तीसरा होता है पेपर 2B। ठीक है, पेपर 1 होता है BE एंड BTech वालों के लिए। अगर आप BTech कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 चूज़ करना, वरना इन दोनों की फ़ीस, अगर इन दोनों को चूज़ कर लोगे तो इसकी एक्स्ट्रा फ़ीस लगेगी। फिर जैसे जनरल के लिए अगर मैं बताऊँ तो फ़ीस एक पेपर की 1000 रुपये है, अगर आप इन दोनों को भी चूज़ कर लोगे तो टोटल 3000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना कि आप पेपर 1 चूज़ करो अगर आपको BTech या BE करना है तो, और अगर आपको BR या BE प्लानिंग करनी है तो उस हिसाब से आप सब्सिक्वेंट पेपर चूज़ करोगे। सभी आपको चूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वही चूज़ करो, अदरवाइज़ आपको फ़ीस 2-3 गुनी देनी पड़ सकती है। ठीक है, एक अगर पेपर की फ़ीस बताऊँ तो जनरल के लिए है वो 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ एक स्टूडेंट को पे करनी पड़ेगी एक पेपर के लिए। अगर आप तीनों पेपर चूज़ कर लेते हो तो 3000 रुपये हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो पेपर चूज़ करने में गलती मत करना, वरना बाद में एडिट नहीं कर पाओगे और ये पैसे रिफंडेबल भी नहीं होते हैं। इस चक्कर में पिछले सेशन में बहुत सारे बच्चे फंसे थे और उनको 4000 तक फ़ीस पे करनी पड़ी थी और उनकी फ़ीस रिफंड भी नहीं हुई। तो इस चक्कर में आप मत पढ़ना, जो पेपर चूज़ करना है पहले उसके बारे में समझ लेना, उसके बाद वो पेपर चूज़ करना। ठीक, पेपर 1, पेपर 2A, पेपर 2B, 3 पेपर होते हैं टोटल, पेपर की बात ध्यान रखना। दूसरी बात ये कि अगर आपने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है या फिर बनवाया है और वो बहुत पुराना है तो अभी से उसके लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, बनने में आपके 1 हफ्ते से 15 दिन तक लग जाते हैं, और अगर आप फॉर्म आने के बाद बनवाना शुरू करोगे तो हो सकता है आप बनवा ना पाओ फॉर्म की लास्ट डेट तक। तो अभी से अप्लाई कर दो कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आप उस कैटेगरी में आते हो, तो आप एक बार चेक कर लो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट क्या है। जनरल वालों को कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, जनरल EWS, OBC, SC, ST इन सबको कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, उन्हें लगाना पड़ता है अगर वो छूट चाहते हैं तो। और अगर आप नहीं लगाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपको जनरल माना जाएगा और आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी कैटेगरी के बेस पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरी गलती की। तीसरी गलती करते हैं बच्चे अपना फॉर्म फिलिंग में छोटी छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, तो कोशिश करो वो मिस्टेक आप ना करो। हालांकि उसको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करो आप फॉर्म बहुत ध्यान से पढ़ो और गलतियों के चक्कर में मत पढ़ो, वरना आप पूरे महीने भर परेशान रहते हो कि मैंने ये गलती कर दी, मैंने वो गलती कर दी, कैसे सही करें। तो आपका ये टाइम बहुत क्रूशियल है, ये टाइम आपका फालतू चीज़ों पर वेस्ट करने का नहीं है। तो फॉर्म भरो तो एक एक चीज़ डिटेल ध्यान से भरो। ठीक है, किसी कैफ़े वाले से भरवा रहे हो तो उसकी स्क्रीन पर देखते रहो, ध्यान से देखते रहो सही भर रहा है कि नहीं भर रहा, आप गलती मत करो इन सब चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट बात मैं आपको बताती हूँ, चौथी गलती जो कि सबसे बड़ी गलती है पेमेंट की। पेमेंट हमेशा क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करो, UPI वगैरह से पेमेंट अक्सर फंस जाता है NTA के फॉर्म में।
मैं नहीं कहती सभी फॉर्म में फंसता है, लेकिन NTA जो भी फॉर्म निकालती है ना, अक्सर उनका UPI का जो पेमेंट होता है या नेट बैंकिंग का पेमेंट होता है, ये सब पेमेंट फंस जाते हैं। कोशिश करो कार्ड से पेमेंट करो, डेबिट कार्ड से, ठीक है। दूसरी बात, जो पेमेंट आप कर रहे हो उसमें उस टाइम ध्यान रखो कि आपका फ़ोन का नेटवर्क सही हो, नेटवर्क कनेक्शन जो आपने लगा रखा है वो सही हो, वरना पैसे फंसने के चांसेस होते हैं। और पेमेंट कभी भी लास्ट डेट पे मत किया करो, अदरवाइज़ पैसे फंस भी गए तो परेशानी में रहोगे, क्योंकि कम से कम 3 दिन लगते हैं रिफ़ंड होने में, ठीक है। और कई बच्चे दोबारा पेमेंट फिर कर देते हैं, दो दो बार पेमेंट कर देंगे, वो पैसे उनके दुगने चले जाते हैं। पेमेंट से रिलेटेड मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है कि इस तरह से पेमेंट करो ताकि पेमेंट ना फंसे, ये वाली वीडियो आप देख लेना एक बार इत्मीनान से, तब जाके आप पेमेंट करना, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी से बना लो, पेपर वही चूज़ करना जो आपको एक्चुअल में जिसके लिए एग्ज़ाम देना है, फालतू पेपर चूज़ मत करना, वरना पैसे अधिक देने पड़ेंगे और वो पैसे रिफंडेबल नहीं होते हैं, करेक्शन भी नहीं कर पाओगे उसमें, ठीक है। तीसरी चीज़, पेमेंट कैसे करना है इसको अच्छे से इस वाली वीडियो में देख लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्लियर। आज के वीडियो में बस इतना ही। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में मेंशन करो, मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।